प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही अब कोरोना गाइडलाइंस में भी लोगों को छूट देने की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी बाजारों को देर तक खोलने की घोषणा हो गई है। सूबे में अब बाजार रात 10 बजे तक खोले जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने सिनेमा घरों को खोलने की भी छूट दे दी है। वहीं सिनेमा घर भी 50% क्षमता के साथ शुरू हो जाएंगे। रेस्टोरेंट्स अब फुल कैपेसिटी यानी कि 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल किए जाने की इजाजत है। सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने कई चीजों में राहत दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, इसे देखते हुए ये छूट देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, लिहाजा अभी भी लोगों को कोरोना को लेकर सतर्कता बरतनी होगी। अगली खबर है, राज्य सरकार पीड़ित विधवाओं के लिए एक बहुत अहम कदम उठाने जा रही है। जी हां, राजधानी की 4,500 गैस पीड़ित विधवाओं को तीसरी बार 1,000 रुपए की पेंशन मिलना शुरू होने जा रही है। इस बारे में गैस त्रासदी और राहत पुनर्वास विभाग के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लगेगा। गैस पीड़ित विधवाओं को 2013 में 1,000 रुपए की पेंशन शुरू की गई थी, जो 2017 तक जारी रही। इसे 2017 में 2 साल के लिए दोबारा बढ़ाया गया, लेकिन 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब तीसरी बार इस योजना को लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा। अगली खबर है, तेल कंपनियों ने 100 दिनों के अंतराल के बाद डीजल के दाम 17 पैसे कम किए हैं। राजधानी में 98 रुपए प्रति लीटर बिका, जबकि पेट्रोल के दाम 29 पैसे बढ़ गए हैं। 3 मई के बाद 70 दिनों में पेट्रोल 36 बार और डीजल 32 बार महंगा हो चुका है, जिसके बाद पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे हैं। वहीं कोरोना से चरमराती राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिल रहा है, क्योंकि बढ़ते दामों के साथ सरकार की कमाई में भी इजाफा हो रहा है। अगली खबर है, बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों को हथियारों के सप्लाई करने वाले 2 और सप्लायर्स को पकड़ लिया है। पुलिस ने 500 से ज्यादा जिंदा कारतूस और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। बता दें, आरोपी नक्सलियों को विस्फोटक और हथियार सप्लाई करते थे। मामले में बालाघाट SP अभिषेक तिवारी ने बताया है कि 7 जुलाई को आरोपी घनश्याम समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पूछताछ में श्याम की निशानदेही पर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार अब कर लिया है।